हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कृष्णा ब्लॉग में सबने राम राम। तो अब मैं बना रही हूँ, देखो आज के जो दिनचर्या है संडे ने, थोड़ी सी आवाज़ तो आओगी आपने कम, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने चाक्की चला रखी है। तो जब चाक्की चला रखी हो तो आवाज़ तो नहीं आओगी, क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा था तो वो गेहूँ पिसने लग रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो देख लो, ईब उठ के गया ऐसी, सारा काम नुए बिखरे पड़ा है कमरा में, आपने दिखा दूँ। और मैं भी उठ के ने उठ तो पहले ली थी, लेकिन मन सर्दी लग गई थी, मैं अपना बिस्तर में रही थी। उठ के ने अपना काम करूँगी शुरू। आप देख सको हो बेड के ऊपर किस तरह बिखरा पड़ा है, कोई कपड़ा कित पड़ा है, कोई कपड़ा कितना पड़ा है। देखियो यूँ कि यूँ बुक छोड़ के गए बच्चे, ये अब यह किताबा उठा के धरूँगी। इधर ने चाह का कप रखा है, मेरे हस्बैंड पे के नहीं आएगी इधर के। और देखो सारा इतना बिखरा पड़ा है, अब इसने समटे होंगी, उसके बाद कोई काम करूँ। देखियो कपड़ा कोई निकाल के गर्म पैर गया, कितना कोट पड़ा है, कितना कंबल पड़े हैं, कितना यो शॉल ओढ़ गया था यो पड़ा है। अब सारा काम निपटाऊँगी इधर ने। रात ने टीवी देखे थे, देखते देखते सारा सामान वहीं रख दिया। देखो यहाँ मैंने छील लिया मूली, और यह अब ये घिया कस कर लिए हैं। अब मैं बनाऊंगी इसके परांठे, और यहाँ रखी है ये पालक की जुट्टी। पालक और मूली के मैं अभी बनाने जा रही हूँ परांठे, ठीक है। तो ये गरम गरम बना दिए मैंने परांठे, जिसका मन करता हो तो चिलावटा है, अगर वो तो है नहीं। मैं चटनी ज़्यादातर मिक्सी में बनाया करूँ, और परांठा के साथ लाल मिर्च की चटनी। और देखो ये यो मन दही जी मार रखे है, अरे लाल मिर्च की चटनी परांठा और दही के साथ ही खाऊंगा, एकदम मजा आओ। तो दोस्तों देखो ये चटनी बनकर होगी है तैयार, आपका भी मन कर रहा होगा खाने को, ऐसी लाल लाल चटनी बनी है। अब मैं बना डाल दिए मैंने इसको कटोरी में, और जो बाकी ये मिक्सी में बच गई इसमें टमाटर डाल करके जो भी सब्ज़ी बनाऊंगी उस सब्ज़ी में डाल दूंगी, तो बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी भी बनेगी। और देखो अब ये बना दिए मैंने चटनी, सभी का मन कर रहा होगा खाने का। जिसने परांठे चटनी और दही खानी हो तो भाई आज ही हो, बाहर गली में कोई गूंद बेचनी है वो बोलने लग रहा है कि गूंद ले लो भाई, गूंद जाडे आ गए है, बढ़िया गूंद है। अरे मैं खा लूँ ये परांठे दही चटनी, मेरा तो मना तो है ना, कई देर होली बनाऊँ बनाऊँ भूख लग गई थी।